का, जब स्कूल हम लोग छोटा टाइम में थे तो अभी खाते थे, कॉलेज टाइम में थे उस टाइम भी खाते थे। मजा भी लग रहा है यहाँ पर, ठंडा लग रहा है, जब बाहर निकलते हैं तो पूरा धूप में बारे करिया हो जाओ घर बाबा। लाइट गिला काम आ, तो लाइट चल गया है, पता नहीं कब आएगा। मेरे इस नया वीडियो में आप सभी का मेरे इस हृदय फेफड़ा और दो को किडनी से जोहार और स्वागत करता हूँ मेरे दोस्त लोग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होके पार भी हो गया। इसीलिए इधर देखिए, ये मेरी अपनी खुद की माँ है, है ना? तो अभी जो गया है वो मेरा अपना बाबा थे। अभी पूछ रहे हैं माँ से कैसा लग रहा है, मतलब 1000, 1K मतलब 1000 हो गया, हम लोग ज्यादा भी हो गया। हाँ, तो हम तो बहुत खुश हैं सच में। हाँ। मैंने ब्रश कर लिया, उसके बाद मैं अभी खाना खाने बैठा और अभी दिखा रहा हूँ क्या क्या सब्जी बना है मेरे घर में। ये वाला दाल रात वाला है, ये वाला आम का चटनी एक खान मतलब। हाँ। तो मैं खाता हूँ जल्दी पल्दी, उसके बाद में मेरा बच्चा सबको और मेरा छोटा भाई बहन जो पड़ोसी यहाँ पर है वो सबके लिए मैं खाने के लिए ला दूंगा। और बकरी सब इधर तंग कर रही है। मैं खाना खाने के बाद काम के लिए निकल चुका हूँ भाई लोग, और अभी मैं जा रहा हूँ काम करने। और चलिए दिखा रहा हूँ आज मैं क्या काम कर रहा हूँ। अभी मैं पहुंच गया काम के जगह, मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ, यहाँ जो दिख रहा है ना यही वाला। मैं नीचे से खोद खोद के दे रहा हूँ और मेरा भाई यहाँ से लेके उधर फेंक रहा है, दिखा रहा हूँ किधर फेंक रहा है। इधर देखिए, मैंने 4.5 फीट खोद दिया है और मैं 5.5 फीट का हूँ, तो मुझे और 5 फीट लगभग 4 इंच खोदना पड़ेगा। कहा है कि इसको 5 फीट मतलब पूरा कंप्लीट करके देना है और 3 इंच ना ईटा का सोलिंग होगा यहाँ पर, इसीलिए तो आज खत्म कर नहीं सकूंगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, जितना ताकत है उतना ही करूंगा। मजा भी लग रहा है यहाँ पर, ठंडा लग रहा है, जब बाहर निकलते हैं तो पूरा धूप में बारे करिया हो जाओ घर बाबा। और 12 भी बज गया, मेरा खाया पिया सब एनर्जी डाउन हो गया है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है इसको खत्म करूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तो लग रहा है मुश्किल है क्योंकि धूप भी मार रहा है और मुझे खाना खाने भी जाना पड़ेगा। तो आप लोगों से मिलते हैं मेरा घर में। किसी को लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा है, 12 नहीं बचा है, लेकिन इधर जो सीधा ऊपर मार रहा है, मेरा परछाई दिखाओ भाई, देखिए सीधा एकदम पूरा सीधा वाला आ रहा है धूप, इसीलिए परछाई भी ज्यादा लंबा नहीं है। और 12 बजे वाला धूप मई का महीना में जलने वाला जैसे है पूरा। मैं अभी ये वाला गड्ढा खोद रहा था, ये वाला गड्ढा को, और मेरा भाई मिट्टी उधर फेंक रहा था जाके, इधर 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 फेंक रहा था मिट्टी। और मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, वो वाला एक कार वाश है, मेरा गांव का सबसे फेमस वाला कार वाश, नया नया खुला है, तो मैं वहीं पर काम करने आया हूँ। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे गाड़ी का धुलाई होता है। मैं वहां से घर आ गया, अब जाता हूँ खाना वाना खाता हूँ जल्दी पल्दी। काम से आकर अभी थोड़ा सा बैठा हूँ, उसके बाद मैं नहा लूंगा फिर खाना खाऊंगा। नहीं खा रहे बाबा, YouTube अभी पैसा नहीं दिया है हमको जो नया खरीद सकते हैं, मिलेगा तो नया खरीदूंगा। सदा सुहागन रहो, फूतो फलो चीतो नातो कातो। और मैं अभी अपना काम खत्म करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं एक बहुत ही फेमस जगह, क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर हो गया है, इसीलिए मेरा भाई बहन और पड़ोसी सब बोल रहे थे कि मिठाई नहीं खिलाएगा, तो मिठाई में खिलाऊंगा, बहुत ही अच्छा चीज खिलाऊंगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं समोसा दुकान, आप लोग को दिखाता हूं। ये 10 का 10 पीस मिलता है, मतलब 1 का 1। तो मैं यहां पर आ गया हूं और यहां पर मैं पैकिंग करवा रहा हूं, यहां पर देखिए यही वाला है। इस समोसा से खाने के लिए धनिया चटनी और ये वाला क्या है सर, बादाम। हाँ, बादाम। आप लोग कहीं भी 1 रुपया वाला समोसा नहीं, 5 का 1 देखे होंगे लेकिन 5 का 5 नहीं देखे होंगे। मेरा भाई बहन और माँ बाबा सब बोलता है खर्चा नहीं करेगा, तो अभी मैं खर्चा करूंगा तो यहीं से लेके जा रहा हूँ। ये अंकल जी समोसा बनाते हैं यहाँ पर हम लोग का, जब स्कूल हम लोग छोटा टाइम में थे तो अभी खाते थे, कॉलेज टाइम में थे उस टाइम भी खाते थे। अब 22 साल हो गया। इधर देखिए भाई लोग, मैंने निकाल लिया है थाली में, उसके बाद में बांटना शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा तो फिर बोलेगा कंजूस है, 1K हो गया फिर भी नहीं खिलाता है, इसीलिए मैं बांट देता हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा ही दूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ काम कर रही है वहाँ पर, मैं इसको लेके, और मेरी माँ के साथ मेरी माँ का गैंग भी है, तो उन लोगों को भी खिलाना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा कि राजा कंजूस है, ऐसा बोलते हैं हमको। और इधर मेरी माँ काम कर रही है, इधर ये वाला 1 रुपया वाला समोसा है, खाए है? नहीं खाए। खाए देखना कैसा लगेगा, खाए इस माँ तो 1 रुपया वाला नहीं खाए, कैसे नहीं आज तक इतना सामने रहते फेमस वाला समोसा नहीं खावे,
अरे तो कहीं जाऊं घर से तब ना खाओगे। और मेरी माँ अभी बांट रही है उधर, प्रेम भैया को मिस्त्री जी है, हेड मिस्त्री है। पेट तो नहीं भरा नहीं सकूंगा लेकिन मैं कहे कि साइज बहुत छोटका है उसका। और अभी पूछते हैं आप लोग का भी खाए थे रोटी वाला समोसा? नहीं खाए। कैसा लग रहा है? अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। बनाने वाला का तारीफ किया जाए। पेट भर लग मांग रहा था? रह के तो भात नहीं खावे, काय का समोसा खा ले? आठ को। मेरा प्लेट का समोसा भी खत्म हो गया। पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, यही बिल्डिंग में मेरी माँ सब काम कर रही है। और मेरा घर ई वाला है, ई वाला, मैं यहीं से खीरा तोड़ के लेके जाता हूँ बेचने। ये मेरा केला पेड़, ये मेरा छोटा भाई। और अभी मुझको यहाँ से अभी जंप मारना पड़ेगा क्योंकि रोड नहीं है यहाँ पर। और अभी जो देख रहे हैं ये मेरी छोटी बहन है, मेरा घर के पास में रहती है, तो यही बोल रही थी कि भैया वन क्या हो गया, नहीं खिलाइएगा नहीं खिलाइएगा। तो आज मैं समोसा खिलाऊँ, क्या को समोसा खाएगी? आप जितना तो देंगे। हाँ तो मैं अभी दे रहा हूँ इसको समोसा, मेरा हाथ में जितना उतना उठेगा मैं उतना ही दूंगा, जितना उठनेगा। लो अभी गिन लो क्या गो है। अभी हम लोग आ गए हैं सबको समोसा खिलाने के बाद सिंचाई करने के लिए। इधर देखिए पीछे मैं पटा रहा हूँ पानी, यहाँ पर हम लोग अदरक लगाए हैं इसीलिए मैं इसको अभी पानी दे रहा हूँ, तब ना वो ऊपर उगेगा। और अभी देखिए सूरज भी डूब चुका है और ये बिल्डिंग दिख रहा है, यहीं पर मेरी माँ सब काम कर रही थी। मेरा वो वाला गड्ढा पड़ चुका है, अभी इसको फोड़ना पड़ेगा, फोड़ते हैं। और हम लोग का पानी यहीं से आ रहा है और यहाँ पर बोरा दे दिए हैं क्योंकि अगर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर बोरा नहीं देंगे तो सब मिट्टी सबको बोहा के इधर 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 लेके चल जाएगा। लाइट गिला काम आ, तो लाइट चल गया है, अब पता नहीं कब आएगा। आज इसको सोचे थे कि ख़त्म करेंगे लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी इतना बचा हुआ है। और अभी मैं उतना दूर तक कंप्लीट किया हूँ बस एक वाला, और इधर पूरा बचा हुआ है। यहाँ पर अदरक और धनिया दोनों लगाया हुआ है साथ में। एक बात बता दूँ, हम लोग ज़्यादा खेती नहीं करते, थोड़ा मोड़ा अपना घर का खाने के लिए करते हैं और वो भी बहुत मज़ा लगता है। और पीछे जो ज़मीन दिख रहा है बाउंड्री मारा हुआ, ये हम लोग का नहीं है, दूसरा सबका है, बाउंड्री मार के छोड़ दिया है। तो हम लोग परमिशन लेके ही यहाँ पर खेती कर रहे हैं।